तो एक और बड़ी खबर पंजाब से है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। तीसरे ब्लास्ट से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सुबह 11 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरी खबर पर। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी धमाके की खबर सामने आई थी और एक और धमाका हुआ है स्वर्ण मंदिर के पास। पहला धमाका 6 तारीख को हुआ था, दूसरा धमाका जो है वो 8 तारीख को हुआ था। अब इस धमाके के बाद से ही प्रशासन अलर्ट पर था, तो एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हालांकि संदिग्ध के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है और डीजीपी आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पहला धमाका 6 तारीख को हुआ था, दूसरा धमाका 8 तारीख को हुआ और तीसरा ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद से ही यहाँ पर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। तो 10 मई की देर रात धमाके को लेकर अमृतसर की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देर रात 12:15 के आसपास ये धमाका सुना गया। अभी भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि इससे पहले 6 और 8 तारीख को भी धमाके हुए थे। तो पहले भी 2 धमाके हुए हैं। गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट बताया जा रहा है जहां पर 2 बम धमाके हुए थे। हालांकि जो पिछले जो 2 बम धमाके थे वो उतने बड़े नहीं थे, लेकिन इस बार जो बम धमाका हुआ है वो काफी तेज रहा।